हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ जन्माष्टमी के लिए मैंने क्या क्या शॉपिंग की है लड्डू गोपाल के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बास्केट ही लेकर के आई हूँ कान्हा जी के, मतलब इसमें जो भी सामान रहता है कान्हा जी का, कपड़े वगैरह बहुत सारे, मतलब काफ़ी बड़ी है, इसमें सारा ही एक जगह हम रख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी लगी है मुझे, इसलिए मैंने ये लिया था। मेरे पास में थी नहीं इसलिए। तो कैसी लगी आपको ये बास्केट बताना जरूर। तो इसका ये ढक्कन रहता है इसके ऊपर, तो इसमें ही मैंने सारा सामान रख रखा है जो मैं लेके आई हूँ। तो मैंने कान्हा जी से लिया है एक ये ड्रेस लिया है, तो ये येलो कलर है क्योंकि जन्माष्टमी पर येलो कलर और ब्लू कलर ही मुझे ज़्यादा सही लगता है। तो मैं इसके साथ ही मुकुट भी लेके आई हूँ सेम येलो कलर का, साथ में पहनाएंगे सारी चीज़ें तो ज़्यादा अच्छा लगता है फ्रेंड्स, तो इसलिए। और ये है इन कान्हा जी की बहुत ही सुंदर सी ड्रेस। कैसी लग रही है आपको कमेंट करके ज़रूर से बताएं। बहुत ही सुंदर लग रही थी ये वाली, मुझे बहुत सारी थी बट मुझे यही पसंद आई थी। और यहाँ पे ये देखिए, ये हैं कान्हा जी के खड़ामू बोलते हैं, जैसे चरण खड़ामू इस तरीके के छोटे छोटे से, बहुत ही सुंदर लग रहे थे तो मैंने इसी के साथ में ये भी ले लिया है। और नेक्स्ट है इसमें कान्हा जी की माला है, ये भी इसी के हिसाब से मैंने येलो कलर लिया था। थोड़ा ड्रेस का लाइट है, ये थोड़ा डार्क है, फिर भी इसमें अच्छा लग रहा है इसके साथ कॉम्बिनेशन इसका, तो मैंने इसके लिए ये ले लिया था। और यहाँ पे मैंने इयररिंग भी लिया है सेम इसी माला के साइज में है, ये भी येलो कलर ही है। तो एक ड्रेस कान्हा जी की मैंने ये लिए क्योंकि उस दिन दो ही पहनाते हैं, एक सुबह में पहना देंगे, एक रात को जब 12 बजे के बाद जन्माष्टमी होती है ना उसके बाद पहनाएंगे दूसरी वाली। तो एक ड्रेस ये है और मैं नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक इस तरीके की जो मोरपंख होती है ना ये वाली भी ली थी, ये बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो कान्हा जी को मोरपंख से पता ही है सबको बहुत अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैंने ये भी ले लिया था। बहुत ही सुंदर सा लग रहा है ये, इसमें दो हैं इस तरीके से। और एक मैंने नेक्स्ट दिखाती हूँ, एक मैंने कान्हा जी के लिए लिया है ये सिंहासन। वैसे मेरे पास था बट वो काफ़ी पुराना भी हो गया था, मैं सोच रही थी सारी चीज़ नया ही ले रहे थे, सिंहासन भी छोटा सा ले लिया है। ये देखिए रेड कलर में था, मुझे बहुत ही सुंदर लगा था ये, तो मैंने ले लिया था। तो एक लिया है मैंने सिंहासन, और दूसरा मैं दिखाती हूँ आपको। और ये मैं जन्माष्टमी के लिए लाई हूँ चंदन टीका जो रहता है, चंदन का टीका है ये रेड कलर वाला इस तरीके का, तो ये भी मैं लेकर ही आई हूँ सारी चीज़ें अलग अलग। वैसे घर में सारी चीज़ रहती हैं बट जन्माष्टमी के लिए मैं सबसे अलग लेके आई हूँ नया सारा ही। और यहाँ पे इसमें भी सामान है कान्हा जी का, ये मैंने अलग ही रख दिया था इसमें। तो एक ड्रेस ये है कान्हा जी की, तो ये बॉटम में जो रहता है ना बेलबट में उस तरीके का है इसका कपड़ा, ये भी बहुत सुंदर लग रही थी ये देखिए। तो मेरे जो कान्हा जी हैं वो 4 नंबर के हैं, उसी हिसाब से मैं साइज़ के हिसाब से लेके आई हूँ। तो ये देखिए, ये भी बताना आप कमेंट करके ज़रूर कैसी लगी है आपको कान्हा जी के लिए जन्माष्टमी की शॉपिंग। और नेक्स्ट मेरा है इसमें, ये मैं इसी के साथ मुकुट भी लेके, मैं हमेशा जब भी कान्हा जी की ड्रेस लेती हूँ तो उसी का कॉम्बिनेशन से कलर के हिसाब से ही मुकुट भी लेते हैं, तो ये ही ब्लू कलर था। तो साथ में पहनते हैं तो ज़्यादा प्यारे लगते हैं लड्डू गोपाल जी। और नेक्स्ट ये माला भी मैं इसी के साथ लेकर आई हूँ, ये भी ब्लू कलर है, इसमें हैं कान्हा जी की हाथों के कंगन थे, ये ब्लू कलर में ही हैं। और ये भी कान्हा जी के देखो इस तरीके के जो होते हैं खड़ामू वो हैं। और ये भी मैं इयररिंग इनके साथ ही लेके आई हूँ, तो सारी चीज़ें मैं मैच का ही लेकर आई हूँ। जब हम लोग इतना अच्छे से मैच करते हैं तो फिर कान्हा जी के लिए भी बनता है इसलिए। तो ये इसका हो गया, दो ड्रेस लाई थी, दो ही चेंज होती हैं। और नेक्स्ट इसकी कान्हा जी की छोटी छोटी सी लुंगी टाइप में जो होती हैं, ये मैं खिट्टा ही ले आई थी, मतलब ये 12 थे छोटे छोटे से, तो खिट्टे में ज़्यादा सही रहता है। ये देखिए इस तरीके के हैं काफ़ी सारे, तो ये भी मैं इसके साथ ही ले आई थी। तो यही है सारा कुछ, एक जोड़ी एक्स्ट्रा है ये मैं अलग से ले आई थी। और वैसे कान्हा जी के पास में बहुत सारा सामान रहता ही है, ऐसा नहीं है मेरे पास में, देखिए बहुत सारे कपड़े पहले से ही रखे हुए हैं, तो मैं सारे इस बास्केट में ही लगाने वाली हूँ, सारे पहले से ही रखे हुए हैं। ये मुकुट वगैरह हैं जो, ये मैंने सारे ना ऑनलाइन से मंगाए थे, 12 पीस में थे ये, तो ये भी डेली के ही हैं, डेली में पहनाते हैं हम कान्हा जी को चेंज कर करके। मेरे पास में ये देखिए बहुत सारे मुकुट भी हैं, सभी के पास होते हैं जिसके घर में कान्हा जी होते हैं, तो कलर के कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही मेरे। अभी इसमें मैंने ऐसे ही, आप सबको लग रहा होगा कैसे ही फैला रखे, ये मैं अभी इसमें बास्केट में सेट करने वाली हूँ सारे ही कान्हा जी की अच्छे से ड्रेस को। तो कैसी लगी आपको ये वाली मेरी वीडियो कान्हा जी के जन्माष्टमी की, और इसमें मैंने अलग से कान्हा जी की माला वगैरह भी रख रखी हैं, पहले की पुरानी है ये,
डेली में जो मैं कान्हा जी को नहलाकर पहनाते हैं वही सब। तो कमेंट करके जरूर बताएं और जय श्री कृष्णा कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू।